नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों 19 मई 2022 12:15 बजे के आसपास का टाइम 29,150 US डॉलर पे बिटकॉइन जो है वो चल रहा है। तो दोस्तों नीचे आना शुरू हो गया है, जैसे मैंने 13-14 मई के आसपास आपको बताया था कि ये एक बार और नीचे डिप मारेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बाइंग जो है मार्केट में चल रही है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि ये अब ये जो नेक्स्ट डिप है ये मार्केट का आगे का कोर्स डिसाइड करेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट में बड़े पैसे द्वारा बाइंग चल रही है। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि बड़ा पैसा जो है मार्केट को वही चलाता है, आपके या मेरे ख़रीदने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को एज अ स्केप गोट या एज अ एक ऐसे बलि का बकरा बनाया जाता है जिसमें हमें लॉस में बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, और चढ़ती मार्केट में ख़रीदने के लिए जो है हमें हमारे इमोशंस के साथ टिंकर किया जाता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो हमारे साथ बनती है। लेकिन अभी अभी जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेक्स्ट डिप जो है वो आएगा, 30,000 US डॉलर का लेवल जो है बिटकॉइन ने ऑलरेडी छोड़ दिया है, तो 26,500 या 26,700 के आसपास इसका डिप मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही जो बिल्डिंग बननी है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। और ये डिप मारने के बाद फिर ये हम देखेंगे कि यहाँ पे ज़मीन जो है वो कैसी है। अगर वो अभी भी सॉफ्ट है तो थोड़ा सा और डिप हमें लेना पड़ेगा, फिर उसको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे ज़मीन कैसी है, क्योंकि जो हमें बिल्डिंग बनानी है वो बहुत बड़े वाली बनानी है। तो उस बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमारे पास जो दोस्तों बेस होना चाहिए, जो हम रूट बनाएंगे वो मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो रूट मजबूत नहीं होगी तो जब बिल्डिंग बन रही होगी तभी वो कोलैप्स कर जाएगी, तभी वो गिर जाएगी। तो 30,000 को बिटकॉइन ने तोड़ दिया है, वापसी नीचे के डिप की तैयारी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हेल्दी डिप मैं मान रहा हूँ। और उस लेवल के आसपास आने के बाद फिर आगे की पोजीशन डिसाइड की जाएगी कि अब आगे जो है क्या होने वाला है। और इधर आपका टेरा लूना में जो एक हार्ड फोक का ऑप्शन जो है डूनो ने दिया था, डूवोन ने दिया था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया है, मजोरिटी वोट्स के साथ उसको डिनाई कर दिया गया है। तो अभी नेक्स्ट प्रपोजल पे देखते हैं कि